चलने के बाद जो भारी भीड़ वहां पहुंची हुई थी उनसे मुखातिब भी हुए। आगे बढ़ रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आगरा से आ रही है जहां पर बूथ नंबर 116 पर ईवीएम खराब हो गई है। लगभग एक घंटे से मतदान यहां पर रुका हुआ है, मशीन को ठीक करने का प्रयास जारी है। बूथ 116 पर ईवीएम मशीन हुई है खराब। तो मशीन को ठीक करने की कोशिश जारी है। तो कुल मिलाकर 100 अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि ऐसी खबरें सामने आई जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई। कुछ जगहों पर फर्जी तरीके से मतदान कराने के भी आरोप लगे। तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर हैं, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और जो बड़े चेहरे हैं आज के चुनावी मैदान के, वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको, यूपी में अब तक 38.12% का मतदान हो चुका है। सबसे कम बरेली में मतदान हुआ है, 34.93% था। सबसे ज्यादा संभल में 42.97% का मतदान हुआ है। हाथरस में 37.73% का मतदान हुआ है। आगरा में 36.89% का मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी में भी 39.09% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में 40.06% मतदान हुआ। मैनपुरी में 38.32% मतदान। एटा में 39.87% का मतदान। बदायूं में 34.97% का मतदान। आंवला में 36.95% मतदान हुआ। आगरा से परवेज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। आंवला से हैं दरअसल परवेज हमारे साथ जुड़े हुए, फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आंवला आपको लिए चलते हैं। परवेज, क्या कहता है 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत और किस तरह का उत्साह मतदाताओं में सुबह से देखने को मिला, क्योंकि अब तो दोपहर हो गई है, दोपहर में थोड़ा धीमा ही रहता है मतदान की प्रक्रिया जो है और बहुत कम संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन सुबह से आपने किस तरह की हलचल देखी परवेज? पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आंवला लोकसभा सीट के ऊपर खड़ा हूं। ये बदायूं और बरेली को काट कर बनी है, जिसमें से दो बदायूं में विधानसभा सीटें बरेली में आती हैं। ये कुल मिला के बदायूं और बरेली के बीच का हिस्सा है जो आंवला लोकसभा सीट कहलाती है। यहां पर अभी तक के जो 1 बजे का परसेंटेज है वो 36.81 आ चुका है। सुबह से पोलिंग चल रही है, लगातार लोगों का आवाजाही है, आना जाना लगा है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कुछ जगह जरूर ईवीएम खराबी की बात आई थी, वो भी मिनटों में जिला प्रशासन द्वारा सही करा ली गई। फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान है, धूप इस टाइम हो चुकी है, कुछ लोग घरों से अभी नहीं निकले हैं। फिलहाल 1 घंटे बाद लगभग 3 से 4 बजे के बीच फिर लोगों का घर से निकलना चालू होगा, क्योंकि मतदान 6 बजे शांत लग के है, धूप का समय है, इसलिए लोग अपने अपने घरों पे हैं और धीरे धीरे लोग मतदान करने के लिए फिलहाल निकल रहे हैं, मगर लगातार मतदान हो रहा है शांतिपूर्वक। ठीक है परवेज, लौटेंगे आपके पास, जल्दी से चलते हैं देवेंद्र चौहान के पास, फिरोजाबाद से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, किस तरह का मतदान आपको अब तक का नजर आया है? आधा दिन बीत चुका है, अब देखिए 1 से 4 बजे तक का समय जो बताया जाता है उसमें वोटिंग परसेंटेज जाहिर तौर पर घटता है, क्योंकि गर्मी प्रचंड है और ऐसी गर्मी में थोड़ा सा वोट देने के लिए जो लोग निकलते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। इसके बाद 4 बजे के बाद ही वोटर जो है अपने घरों से निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं, कैसा माहौल बना हुआ है देवेंद्र? बिल्कुल, जिस तरीके से 41 डिग्री टेम्परेचर है और कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी मतदाता निकल रहा है। जैसे सुबह जो वोट परसेंटेज था उसके बाद में थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन फिर धीमे धीमे ऐसा लग रहा है कि शाम तक वोट परसेंटेज अच्छा होगा, लोग घरों से निकल रहे हैं। और हालांकि छुटपुट अगर बात की जाए तो अभी 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी मतदान कर रहे थे, और उसके अलावा जो बात की जाए कहीं छुटपुट थोड़ी बहुत जानकारी आ रही है, उसके अलावा जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है, पुलिस पूरी तरह लगी हुई है, जिस जगह सूचना आती है मौके पर जा रही है, तो कई विवाद तत्काल पहुंचने पर भी खत्म हो रहे हैं। और साथ ही अगर उस पोलिंग उसकी बात की जाए, लोग हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दा खास रहा होगा जिसमें लोग मतदान करेंगे? महंगाई और बेरोजगारी की वजह से
लोग परेशान हैं, उस वजह से वोट डाला ही गए। अच्छा, लेकिन 40% मतदान हो गया एक बजे तक, ऐसा लग रहा, क्या लग रहा है कि अभी शाम तक और बढ़े जाएगा? 60% करीब जाएगा, 60%, 20% और बढ़ेगा ही। बिल्कुल, अभी लगभग 20% ये बता रहे हैं, हालांकि उम्मीद है कि 60% यहाँ मतदान फिरोजाबाद में होना चाहिए। और जिस हिसाब से लोग निकल रहे हैं 41 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि वोट ऑफ परसेंटेज अच्छी होगी। और जी ठीक है, आप बने रहिएगा, देवेंद्र हमारे साथ लगातार जानकारी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि राम मंदिर पर राम गोपाल यादव के बयान पर सीएम धामी ने कहा कि देश की जनता जानती है किन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, इन लोगों से क्या उम्मीद करोगे, आज सभी राम भक्त और राष्ट्र भक्त खुश हैं। है उसका सर। इसके अलावा तमाम जो विपक्ष के नेता हैं कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए। आज राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर तो बेकार है, उसका वास्तु बेकार है, नक्शा खराब है, किस तरह से उनके इस बयानबाजी को देखते हैं? ये तो देखिए, देश दुनिया के सभी राम भक्त जानते हैं, राष्ट्र भक्त जानते हैं कि कार सेवकों पर किन्होंने गोलियां चलाई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। ये कभी भी राम मंदिर के पक्षधर नहीं रहे हैं, इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि राम मंदिर बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए इस प्रकार की बचकानी बातें कर रहे हैं। देखिए, चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। अब जिस तरह से जो स्टेटमेंट शीनम प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दिया है वो काफ़ी विवादित है। 500 साल के बाद जो एक सत्य लोगों के सामने, आस्था सत्य होती हुई नजर आई है, लोगों को भगवान श्री राम को उनके दर्शन करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो 22 जनवरी को आगाज किया गया था उसका ही पहले विरोध किया गया विपक्ष की तरफ से, और अब इसके ऊपर बोलना प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से कि बेकार मंदिर है, इसका वास्तु ठीक नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विवादास्पद बयान आने वाले समय में चुनावी मुद्दा बनकर नजर आएगा। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता देते हैं, फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जहां पर फर्जी वोटर अरेस्ट किया गया है, बूथ से पुलिस ने किया है गिरफ्तार इस फर्जी वोटर को। भाई की जगह पर वोट देने पहुंचा था युवक, जसराना के शिव आदर्श कॉलेज से ये गिरफ्तारी हुई है शख्स की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। फर्जी वोटर जो है वो गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है फर्जी वोटर को। भाई की जगह पर वोट देने के लिए ये शख्स पहुंचा हुआ था, जसराना के शिव आदर्श कॉलेज से गिरफ्तारी हुई है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से, जो कि देवेंद्र चौहान लाइव बने हुए हैं, उनसे लेते हैं और रिएक्शंस के ऊपर। देवेंद्र, क्या ये जो जानकारी मिल रही है इस पर अपडेट दीजिए कि एक शख्स जो है फर्जी मतदान करने के लिए पहुंचा हुआ था, कौन है शख्स, किस पोलिंग बूथ से पकड़ा गया है? बिल्कुल, जैसे फर्जी इसकी बात हो रही है, ये शिव आदर्श इंटर कॉलेज है जो पेड़त में है, वहाँ पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और पूछताछ में पता चला था ये अपने भाई का जो है वोट डालने आया है, तो पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है और थाने भेज दिया है। हालांकि अभी इसमें जाँच चल रही है, पुलिस जाँच करेगी कि आखिर ये क्यों आया, कैसे, तमाम चीज़ों की जानकारी होगी कि वोटर कार्ड जो था वो फर्जी कैसे बना, और इसकी जाँच होगी। लेकिन जिस तरीके से सुबह से सूचनाएं आ रही थी, तमाम फर्जी वोटरों की जो है सूचनाएं आ रही थी, एक सुबह BLO भी गिरफ्तार किया गया था जिसमें फर्जी मतदान करा रहा था, तो ऐसे में कई तरह की जो सूचनाएं थी वो कहीं ना कहीं सही निकल रही हैं। अभी अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद शहर में भी अभी 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पूछताछ चल रही है कि ये कहाँ, क्या मामला था, ये क्यों, कहाँ से आया, हालांकि वो अभी स्पष्ट कुछ बता नहीं पाया, जिसको लेके मामला संदिग्ध है। वहीं अगर उसके ओवरऑल बात की जाए तो छुटपुट घटनाओं के अलावा बिल्कुल शांति से मतदान चल रहा है, 40% मतदान हो चुका है। हालांकि भीषण गर्मी है, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकल रहे हैं और देर शाम तक अच्छी परसेंटेज रहने की उम्मीद है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछली बार से कहीं ज़्यादा भी मतदान हो सकता है, जबकि देखा ये जा रहा था कि आम
पहले दूसरे या पहले चरण की बात करें तो उनमें मतदान जो बेहद कम हुआ था, जिसको लेके लोग आशंकित थे, सभी पार्टियां आशंकित थी, तमाम पार्टियां अपना अपने प्रचार में लोगों को वोट डालने की बात कह रही थी। साथ ही देवेंद्र हमारे साथ लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। अब कुछ रिएक्शन आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया है उसे लेकर अब लगातार चर्चाएं हो रही है। दूसरी तरफ जो फर्जी तरीके से वोट कास्ट करने की खबरें सामने आई उसे लेकर भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 400 पार पूरे देश में मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का उत्साह है। आम जनमानस चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है और देश आगे भी बढ़ रहा है। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए आम जनमानस जातिवाद, परिवारवाद, इनसे दूर होकर आज भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, कमल के निशान को चुन रही है। मैं सभी से अपील करूंगा, खूब लोग मतदान करें, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा त्योहार है, उत्साह के साथ करें। प्रतापगढ़ के प्रत्याशी और मैनपुरी में वोट डालकर निकले धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहली बात, वोट किस मुद्दे पर है? सबसे बड़ा मुद्दा है देश का संविधान बचाने का। बाबा साहब ने और उस समय के हमारे संविधान सभा के मेम्बरानों ने बहुत मेहनत करके अपना जीवन का सारा अनुभव निचोड़ के ये इतना शानदार देश को संविधान दिया जो दुनिया में कहीं किसी भी देश के पास नहीं है। उस संविधान में बीजेपी आरएसएस का भरोसा विश्वास नहीं है और वो बीजेपी के लोग एक नया संविधान देश को देना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूं देश के जनमानस को स्वीकार नहीं है। प्रमोद कृष्ण जी से पूछूंगा मैं, हालांकि वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए बड़ी उम्मीद लगा के गए थे शायद संबल्स के उम्मीदवार होंगे, अब वो नहीं हुए इतने एफर्ट के बाद भी, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके दिखाना चाहते हैं अपनी पार्टी को। उन्हीं के 3 महीने पहले के बयान आप निकाल लीजिए, शायद कोई ही अपशब्द बचा होगा जो बीजेपी को उन्होंने ना कहा हो। तो हमारे समर्थन में परसेंटेज हो रहा है वोट का और 1 लाख से ऊपर की जीत डेफिनेट लग रही है। इनका जो डिक्टेटरशिप है वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं, जनता को डरा है, आम आदमी डरा हुआ है, सरकारी कर्मचारी डर रहा है, तो डर का माहौल जो है वो लोकतांत्रिक नहीं होता। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे भाजपा को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिसमें मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो मोदी जी ने एक नारा दिया है 400 पार, तो 400 पार 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। क्योंकि मुद्दा था इस वक्त किन मुद्दों को लेकर सर आप जनता के बीच गए, आप विधायक हैं 2 बार के, किन मुद्दों को लेकर आप लोग गए? तो कैसे विकास हुए हैं, चाहे वो हाईवे को ले लीजिए, चाहे हवाई अड्डा को ले लीजिए, चाहे कश्मीर की 370-35 धारा हटाने का काम हो, चाहे मंदिर निर्माण का कार्य हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर आई है, जो गांव गरीब किसान को मजदूर को मिली है। क्योंकि जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंत्योदय के माध्यम से जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको वो सम्मान मिल जाए, वो लाभ मिल जाए, वो सम्मान देने का काम किया, वो सपना साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ये प्रदेश और केंद्र की जो योजनाएं धरातल पर आई है। उत्तर प्रदेश